हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 15। ब्लो हैट सॉरी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, मतलब उसी से गर्म और उसी से ठंडा। ब्लो मीन्स होता है फूंकना, ठीक है, गर्म फूंक और ठंडी फूंक, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एट फर्स्ट वी विल रीड लेसन, आफ्टर देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, देयर वॉज अ वुड कटर। एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड। इन द इवनिंग ही वुड सेल द wood in the city. One day he went deep into the forest. It was a very cold winter. His fingers were become numb. Every now and then the woodcutter would put down his axe and bring his hands close to his mouth. Then he would blow hard on them to warm them. See, woodcutter blow his hands. While he was cutting wood, Mia Balistier was watching him from a corner. Mia Balistier saw that the woodcutter kept blowing on his hands. He began to wonder that all that was about, but he could not understand it. He got up thinking that he would go and ask the woodcutter. After walking a little, he came back thinking that the woodcutter may not like being asked. Finally, Mia Balistier could not help himself. He went hoping to the woodcutter and said, "Hello, brother, if you don't mind, can I ask you something?" Seeing this tiny person, the woodcutter was amazed and amused. But he hid his smile and said, of course, ask what you want to. All I want to ask is why do you blow from your mouth onto your hands?" said Mia Balistier. तो यहाँ बात हो रही है एक वुड कटर है ना, एक वुड कटर था जो एवरीडे मॉर्निंग के टाइम में फॉरेस्ट जाता था, वहां से लकड़ियां काटता था, वुड कट करता था और फिर शाम तक वो उन वुड्स को, लकड़ियों को मार्केट में आकर बेच देता था और उसी से उसका जीवन चलता था, ठीक है। तो ये उसका रोज का काम था। तो एक दिन वो जंगल तो गया, फॉरेस्ट गया, पर थोड़ा ज्यादा दूर निकल गया, ठीक है। अब वहां बहुत ज्यादा ठंड थी, ठंड तो चली रही थी, बहुत ज्यादा ठंड थी। उसकी जो फिंगर्स थी वो नंब मींस होता है सुन्न हो जाना, है ना, तो सुन्न हो गई थी। तो लकड़ी काटने के टाइम में वो बार बार क्या करता, अपनी एक्स मींस कुल्हाड़ी को नीचे रखता और अपनी फिंगर्स को अपने मुंह के पास ले जाकर और उसमें ब्लो करता, है ना, तेज से फूंकता, ठीक है, क्योंकि ठंड के टाइम में आप लोग जानते होंगे जब अपन मुंह के पास अपने हाथों को ले जाते हैं, हाथों में ज्यादा ठंड लगती है और फिर हम हाथों को मुंह के पास ले जाकर उसमें भाप देते हैं ना, फूंकते हैं, तो अंदर से गर्म गर्म हवा निकलती है, एयर निकलती है, तो हाथों को हमारे राहत मिलती है, ठीक है। तो वो भी वही कर रहा था। तो जब वो लकड़ी कट कर रहा था तो उस टाइम थोड़ी दूर पर एक किनारे पर खड़ा होकर मिया बलस्ती है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो दूर से ये वुड कटर को देख रहा था, है ना। वो ये भी वॉच कर रहा था कि वुड कटर बार बार अपनी एक्स को नीचे रख देता है और हाथों को अपने मुंह के पास ले जाके फूंकता है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, किसको, मिया बलस्तियों को, है ना, कि वुड कटर ऐसा क्यों कर रहा है। पर मिया बलस्तिये ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं उसके पास जाऊं, वुड कटर के पास जाऊं और उससे सवाल करूं कि तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो वो थोड़ी दूर चला, उसके बाद फिर वो वापस लौट गया, ये सोचते हुए कि अगर मैं जाके पूछूंगा तो उसको बुरा ना लग जाए, है ना। फिर भी उसको रहा ना गया, मियां बलस्तिये से रहा नहीं गया और वो आगे बढ़ा और फाइनली वो उसके पास पहुंच गया, वुड कटर के पास, ठीक। और पहुंचने के बाद कहता है कि हेलो ब्रदर, अगर तुमको बुरा ना लगे तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे। तो जो वुड कटर था, एक छोटे से, ये जो मियां बलस्तिये था, इसकी हाइट से देख सकते हो आप, ये झुककर बैठा हुआ है और ये कितना छोटा दिख रहा है ना। तो मियां बलस्तिये को देखकर
वुड कटर आश्चर्यचकित भी हुआ पर उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को छुपाया कि मियां बदस्तियों को बुरा ना लग जाए कि मैं उसकी हाइट को देखकर हंस रहा हूं, है ना। तो उसने छुपाया। तो बोलता है हाँ हाँ पूछो। वुड कटर बोलता है कि हाँ हाँ जरूर पूछो सवाल जो आप पूछना चाहते हो। तो मियां बलस्तिये कहता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने हाथों को मुंह के पास ले जाकर फूंक क्यों रहे हैं। तो वुड कटर का आंसर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।